दिनों बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हौसी मची हुई है। हाल में काफ़ी टाइम से लगातार हमें कई बायोपिक फिल्में देख चुके हैं जिनमें राजनेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक शामिल हैं, लेकिन अब खबरों के माने तो आसाराम बापू के जीवन पर भी उनकी बायोपिक फिल्म बनने वाली है। दरअसल आसाराम बापू फिलहाल यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्हीं के जीवन पर उसी और मजबूदार ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गॉड ऑफ सीन द कलेक्ट कलोर और आसाराम बापू। इसमें खासकर आसाराम बापू के लास्ट टाइम के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में उनके 2013 के बाद हुए पतन के बारे में खासकर लिखा गया है, लेकिन अब फिल्म निर्माता सुनील बोहरा ने इसके सभी राइट्स खरीद लिए हैं और वो इस पर फिल्म बनाने वाले हैं। सुनील बोहरा ने कहा है कि मैंने इस किताब को पढ़ा है। इस किताब में मुझे खासकर तीन रोल पसंद आए हैं, जिसमें एक तो वकील पीसी द्वारा पीड़ितों के लिए मुफ्त में लड़ाया गया केस और दूसरा दो पुलिस महिला अधिकारियों का रोल, जिनमें एक तो जोधपुर की है दूसरी सूरत की, और दोनों का रोल ही इसमें प्रेरणादायक है और मेरी नज़र में वो दोनों ही असली हीरो हैं और मैं इन्हीं दोनों के किरदार को ध्यान में रखते हुए खासकर इस फिल्म को लिखूंगा। तो फिल्म निर्माता सुनील बोहरा ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो जल्दी आसाराम बापू के जीवन पर उनकी बायोपिक फिल्म बनाने वाले हैं। तो आप आसाराम बापू के जीवन पर बनने वाले इस बायोपिक फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।